यूपी के बलरामपुर से एक शिक्षिका के साथ चोरी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय भगचहिया विकास खंड बलरामपुर में तैनात शिक्षिका से विद्यालय में एक अज्ञात व्यक्ति ने शिक्षिका के गले से सोने की चेन छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। शिक्षिका से लूट की घटना के बाद पुलिस अधीक्षक बलरामपुर हेमंत कुटियाल के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक श्री रविंदर मिश्रा के पर्यवेक्षण और साथ ही क्षेत्र अधिकारी नगर श्री वरुण मिश्रा के नेतृत्व में घटना के अनावरण करने हेतु पुलिस टीम लगाई गई, जिसमें 7 दिसंबर को सिसई ढाला के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से शिक्षिका से लूटी गई चैन बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने लूट की घटना को स्वीकार कर लिया है। 2020 को थाना देहात में बालपुर गांव में एक बॉडी मिली थी, जो मंगलदेव यादव है उसकी थी, और ये उसके परिवार ने जहां पर जिस खेत में मिली, संतोष मौर्य उसके साथ में 3 लोगों को नामजद किया था, और इसकी जैसी घटना की सूचना मिली और उसके बाद अनावरण के लिए टीम लगाई गई, तो उसमें बड़ी सफलता के साथ सीओ नगर वरुण मिश्रा है हमारे, उन्होंने वर्कआउट किया है केस एसओजी की मदद से। और इसमें सही सत्यता ये है कि जो ये मंगल देव यादव था, इसका पैसे का एक डील हुआ था कयूम अली के साथ। कयूम अली को उसने अपना खेत दिया था, उस पर बटाई पर दिया था, और उससे 3 साल से कोई पेमेंट कयूम अली ने नहीं किया था, तो 2.5 लाख का कुल बकाया इंटरेस्ट के साथ मंगल पे इसका बैठ रहा था। तो मंगल को जो पैसे मिलने थे, जो बार बार पैसे लेने आता था मंगल, तो उसी दौरान मंगल की इल कयूम की बीवी खलीफुन्निसा के साथ हो गई थी, और लगातार ये करीबन 3-4 महीने से आपस में बात कर रहे थे, और 6 तारीख की शाम को इन्होंने फ़ोन करके उसको बुलाया, और इन दोनों ने साथ में मिलकर उसकी हत्या करी है। और जब ये सब क्लियर हुआ है थ्रू कॉल डिटेल्स एंड बाकी जानकारी, तो अभी इनसे और पूछताछ करने पे इन्होंने सारी बात बताई है। इनके पास से मंगल का फ़ोन रिकवर हुआ है, जो उन्होंने तोड़ दिया था, तोड़ के 3 पीस में डिवाइड करके उसका सिम भी फेंक दिया था, तो फ़ोन और सिम सब रिकवर हो गए हैं। जिस कुल्हाड़ी से इन्होंने इसको मारा था, वो भी इन्होंने पास के घूर में छुपा दिया था, और वो भी रिकवर हो गया है। इस प्रकार से 2 लोग को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और इसका सफल अनावरण किया है पुलिस ने। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN News।